नमस्कार, मैं पूजा वशिष्ठ आप सभी का फिल्म बीट के इस वीडियो में स्वागत करती हूं। बीसीसीआई के सालाना पुरस्कार समारोह में टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली को लगातार दो सत्र के लिए साल के सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर होने के नाते पॉली उमरीगर ट्रॉफी से सम्मानित किया गया। शानदार फॉर्म में चल रहे भारतीय कप्तान ने 2016-17 और 2017-18 में जबरदस्त प्रदर्शन किया। कोहली ने टीम इंडिया के कोच रवि शास्त्री के हाथों ये ट्रॉफी ग्रहण की। इस मौके पर कोहली ने कहा कि इस अवार्ड की अहमियत और ज्यादा बढ़ जाती है क्योंकि आज मेरी पत्नी यहाँ मौजूद है। कोहली अफगानिस्तान के खिलाफ ऐतिहासिक टेस्ट का हिस्सा नहीं है और आईपीएल के दौरान गर्दन में लगी चोट की वजह से वो सरे के लिए काउंटर क्रिकेट भी नहीं खेल पाए। कोहली 15 जून को एनसीए में फिटनेस टेस्ट देंगे। अवार्ड समारोह में कोहली, अनुष्का के अलावा ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या, केएल राहुल, विकेटकीपर बल्लेबाज दिनेश कार्तिक अपनी पत्नी के साथ मौजूद थे। कोहली और अनुष्का को अपने बीच पाकर अन्य क्रिकेटर्स भी उनसे मिलने पहुंचे। महिला टीम की सदस्य पूनम रावत के साथ दोनों ने फोटो भी क्लिक करवाई। फोटो सेशन में पांड्या समेत बाकी क्रिकेटर भी पीछे नहीं रहे। एक तस्वीर में केएल राहुल और हार्दिक पांड्या दिनेश कार्तिक और उनकी पत्नी के साथ पोज देते दिखाई दिए। वहीं आपको बता दें, कार्तिक की पत्नी दीपिका पल्लेकल अंतर्राष्ट्रीय स्क्वैश खिलाड़ी हैं और बड़े मंचों पर भारत का प्रतिनिधित्व करती हैं। दीपिका पेशे से खिलाड़ी हैं तो क्रिकेटर कोहली की पत्नी अनुष्का शर्मा बॉलीवुड की मशहूर अदाकारा हैं। दोनों ने एक दूसरे के साथ खूब गुफ्तगू की। अवार्ड समारोह के दौरान एम के पटौदी लेक्चर देने वाले पहले विदेशी खिलाड़ी केविन पीटरसन ने डे नाइट टेस्ट की वकालत की और इस फॉर्मेट को बचाने के लिए इसे एक बेहतर विकल्प बताया। वहीं एक फोटो भी इस दौरान क्लिक हुई है जिसमें कोहली और दीपिका का अंदाज देखकर लग रहा था कि दोनों किसी बात को लेकर बहस कर रहे हैं, लेकिन कार्तिक और अनुष्का को फोटो खिंचवाने का इंतजार है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बॉलीवुड और टेलीविजन से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए फिल्मी बीट।